लेते हैं, जहां टिकट के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। पीसीसी कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। गोविंदपुरा विधानसभा से प्रत्याशी का विरोध दरअसल किया जा रहा है। गोविंदपुरा से रविंद्र साहू को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, लेकिन इस बात का कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दरअसल गोविंदपुरा से प्रत्याशी बदलने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद लगातार नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन का तरीका अलग है। दरअसल यहां पर कोई नारेबाजी नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध जताया जा रहा है और गोविंदपुरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बदलने की मांग की जा रही है। देखिए, तमाम जो लोग बैठे हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये अनोखा प्रदर्शन, अभी तक किसी को मनाने के लिए प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन पहला मौका है जब इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध किया जा रहा है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। क्या किसके लिए विरोध कर रहे हैं? हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, हम सिर्फ सद्बुद्धि बड़े नेताओं को दे, ताकि जो इन्होंने अभी तक जितने भी लोगों का सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पर टिकट की मांग है, अगर सर्वे में हम पीछे होते तो हम टिकट की मांग नहीं करते, लेकिन हमारा पार्टी नेतृत्व तो सिर्फ ये है। इसके लिए टिकट की मांग, हम दीप्ति सिंह जी के लिए गोविंदपुरा विधानसभा से मांग कर रहे हैं कि महिला के सामने एक महिला नेत्री हो। हम चाहते सिर्फ हमारा मेन मकसद जो है महिला के सामने महिला हो। क्या लगता है हनुमान जी टिकट दिलवा पाएंगे? हनुमान जी हमारे बड़े नेताओं को सद्बुद्धि देंगे, क्योंकि इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। आप लोग किसके लिए टिकट की मांग कर रहे हो? क्या हम दीप्ति सिंह जी के लिए मांग कर रहे हैं टिकट की, और महिलाओं को जब आगे रखने की बात की गई है तो हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे हों। हम चाहते हैं कि दीप्ति सिंह जरूर आए इस बार। क्या लगता है हनुमान चालीसा से फर्क पड़ेगा टिकट बदला? जी हम हनुमान चालीसा से हम लोग इसलिए विरोध कर नहीं सकते क्योंकि विरोध अच्छा नहीं होता। हम लोग बस सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा से शांति से हम दिखाना चाहते हैं कि हम विरोध शांति से कर रहे हैं। बिल्कुल शांति से विरोध किया जा रहा है और देखिए ये एक अनोखा प्रदर्शन है। आमतौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, काले पोती जा रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी को मनाया जा रहा है और यही कारण है कि चाहते हैं कि नेताओं को सद्बुद्धि मिले और गोविंदपुरा का टिकट बदला जाए। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।